तो अभी अब हम बाहर कहीं आए हैं, इसका कोई सेंटर है, मार्केट का सेंटर, और यहाँ पर देखो। तो अभी अब हम आ चुके हैं मंदिर के सामने वाले हिस्से में। मान्यता है भगवान पशुपतिनाथ में आके कोई भी मनुष्य चारों गेट से दर्शन करने से चार धाम का और 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया हुआ उनको पुण्य फल मिलता है। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। और अभी अपन जो जा रहे हैं नेपाल के अंदर हम हो चुके हैं, और रात था तो हम आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि हम थे लेट बहुत ज़्यादा। तो नेपाल के अंदर मैं हूँ काठमांडू में, काठमांडो है, काठमांडो हम काठमांडू कहते हैं, लेकिन हमने हिंदी में इसका वो जो पढ़ा वो काठमांडो लिखा है। तो काठमांडो में हम हैं, और मैं अभी जा रहा हूँ अपनी डेस्टिनेशन जो कि है पशुपतिनाथ टेम्पल, है ना, वर्ल्ड फेमस टेंपल आप सभी को पता है। तो वहाँ जाएंगे और उधर विजिट करने का था कि हाँ काठमांडू आए तो वहाँ तो जाना ही है। फिर उसके बाद आपको काठमांडू एक्सप्लोर कराया जाएगा। यहाँ के देखो जो नीली वर्दी में यहाँ की पुलिस जो काट रही है चलान, प्रॉपर चलान, और यहाँ पर बाइक वालों को तो खतरनाक चलान कटते ही कटते हैं। और अभी मंदिर पहुँच के पहले सबसे पहले आपको मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ जो एक्सप्लोर करेंगे जगह जगह पे और यहाँ के बारे में लोगों से पूछेंगे वो आपको वीडियोस में देखने को मिलेगा। ओ भाई यहाँ क्या कुछ गाड़ी दिख रही है, टेस्ला भाई, यहाँ तो टेस्ला चल रही है भाई, ये इंडिया में नहीं है क्या, ब्लैक कलर की टेस्ला, ओए होए होए क्या बात है। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं पशुपतिनाथ के नीचे पार्किंग में, और यहाँ पर हमने गाड़ी कर दी पार्क। और अगर आपको मैं यहाँ से व्यू दिखाऊँ तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट मेरे को यहाँ पर मंदिर देखना स्टार्ट हो चुके हैं, हवा भी यहाँ पर चल रही है, बारिश का भी मौसम बन रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने को वहाँ से ऊपर को जाना पड़ेगा। तो उधर अभी हम लोग उससे ऊपर को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इनका शादी का कुछ फंक्शन चल रहा है, और आई थिंक फोटोशूट चल रहा है, और यहाँ पर हमारे सारे बैठे हुए हैं हाथ पर बांधने के लिए, ठीक है। और ये भी हमारी ये वीडियो बनाने में लगा, तो अब इस वाले रास्ते से हम जाएंगे ऊपर। दोस्तों भी अपने आने वाले रास्ते से नीचे, और हमें जो लग रहा है कि मंदिर है सामने, तो फिर हम जाएंगे। अभी हमने ऑलमोस्ट 600-700 मीटर का रास्ता ट्रैवल किया है, ठीक है, और उसके बाद हम पहुँचने वाले मंदिर, यहाँ की भीड़ देख लो एक बार। मैं आ चुका हूँ लोकेशन पे, अभी मेरे को पूरा आइडिया नहीं है कि पशुपतिनाथ जी का जो टेंपल है सामने आप देख रहे होंगे, बट यहाँ पे नीचे एक बार देखा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कंप्लीट कुछ इनकी प्रक्रिया चल रही है जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे जब अपना जो पूजा पाठ करवाऊँगा तो उनसे पूरी चीज़ें पूछूँगा ताकि वो मेरे को गाइड कर पाए कि यार यहाँ पर क्या क्या होता है, और वो आपको भी पता चले। बट यहाँ का जो अभी एकदम से जो यहाँ पर वाइब चेंज हुई ना, जो एक तरीके से बोलते हो एक अलग ही टाइप की एनर्जी आ गई भाई यहाँ पर, मतलब एक फील होता है ना अंदर से, वो जब तुम यहाँ के आवाज़ें सुनते हो, यहाँ के वो जो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जो यहाँ पर एक माहौल बना हुआ है एकदम खतरनाक वाला धार्मिक माहौल, एक मतलब एक अलग टाइप की एनर्जी वाला, तो वो यहाँ पर फील हो रहा है। और यहाँ पर अगर आपको व्यू देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी पीछे की साइड देखो टाइप के बने बने कम्प्लीट अलग अलग तरीके के टेम्पल जिनका मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो मैंने बताया कि यहाँ मेरे को किसी से मिलना यहाँ पर पड़ेगा। और उधर को देखो तो पूरा ये जो पूरा कस्बा ही बसा हुआ है, ये पूरा का पूरा एक कस्बा बसा हुआ है जो कंप्लीट इसी जगह से रिलेट करता है। और यहाँ पे मतलब ये इसका मेरे को कोई लॉजिक अभी समझ में नहीं आया, बट आप एक बार जब नीचे को भी देखोगे तो वहाँ पर भी कुछ प्रक्रिया चल रही है जिसका कोई आइडिया नहीं है अपने। तो अभी अब हम आ चुके हैं मंदिर के सामने वाले हिस्से में, मतलब जहाँ पर पूरा लोग घूम रहे हैं, मार्केट है, और पीछे का जो आप देख रहे हो पूरा यहाँ टाउन कम्प्लीटली कलर इसका अपना एक तरह से भगवा कलर ही है, और पूरा का पूरा टाउन इसी कलर में यहाँ पर है। और अभी देखते हैं, मेरे को तो अभी कुछ आइडिया यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल। हम जाए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, काफ़ी लोगों की भीड़, और रक्षाबंधन है तो ये जगह जगह पर ये आपका हाथ बांधने के लिए क्या बोलते भाई इस धागे को, कलावा, हाँ हाथ पर कलावा बांधने के लिए सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सभी इनसे बधवा रहे हैं, मैं ही बधवाता हूँ क्योंकि अपन भी कर लेते हैं थोड़ी देर बाद। तो भाई यहाँ पर अब सब लिया जा रहा है पूजा की सामग्री, आज हमारे जूते भी यहाँ पर रख दिए गए हैं। तो दोस्तों फाइनली मंदिर का हमारी जो जितना भी जितने भी तरीके की क्रियाएं हमने वहाँ पर करनी थी
भैया ने वह सब करवा दिया और अब लेके अभी एक और पूजा यहाँ पर होनी है वो मतलब ये जो ऐसे कुछ अगर आप कुछ भी चीज़ धारण करते हो तो उससे पहले जो पूजा होती है वो करवाने के लिए अभी अपन जा रहे हैं पंडित जी के पास। तो यहाँ पे आई साहब सुंदर अति सुंदर भाई, लेकिन यार उसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा आपको, इतनी भीड़ है नहीं देख पाओ, मौका ही नहीं मिलता। ये भगवान पशुपतिनाथ भारत ज्योतिर्लिंग का और चारों धाम का शिरोपरि भाग बोलते हैं। जैसे भारत ज्योतिर्लिंग का और चारों धाम का मनुष्य दर्शन लेते हैं उससे पहला या बाद में बीच में कभी भी एक बार दर्शन करना कंपलसरी है। जैसे भारत ज्योतिर्लिंग में सौराष्ट्रे सोमनाथम च गुजरात से शुरू होता है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शल्ये मल्लिकार्जुनम उज्जनीयम महाकालम ओंकालम ममलेश्वरम परल्यम वैद्यनाथम च डाकिन्यम भीमसंगरम सेतु वंदेतु रामेशम नागेशम दारुकाबने वाराणसम द्विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम बृहस्पेश्वरम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्राप्त पटेन्नर सप्त जन्म कृतम पापम स्मरेण विनश्यति। ये बारह ज्योतिर्लिंग और चारों धाम में उत्तर में बद्री केदारेश्वर, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी, दक्षिण में रामेश्वरम, सभी का शिरोपरि भाग है भगवान पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ का लिंग कैसा है, ऐसा बड़ा वाला लिंग है, लेकिन ये पशुपतिनाथ लिंग आकार में ज्यादातर लिंग निराकार में होता है, आकार होता नहीं। काठमांडू नेपाल पशुपतिनाथ को आएंगे भगवान पशुपतिनाथ का आकार का दर्शन रहता है। एक लिंग है, भगवान के चारों तरफ से चार मुख, वेदों में पुराणों में पंचम हिमादेव उल्लेख किया गया है, चार मुख आकार में है एक मुख निराकार में। जैसे भगवान पशुपतिनाथ चार गेट है, चार गेट में से मुख्य दरवाजा मेन दरवाजा सुबह में 4 बजे खुलेगा, बाकी 3 दरवाजा 9:30 बजे खुलेगा। जो 4 बजे खुलने वाला मेन दरवाजा दोपहर को 2 बजे बंद होता है और सुबह 9:30 से लेकर के 11:30 बजे तक भगवान का और बाकी तीनों द्वार खुलेगा। 9:30 से लेकर के 11:30 के बीच में भगवान का सिंगार उतार के पंचामृत, भगवान का दूध दही घी मधु से चीनी से पंचामृत का अभिषेक रहता है। पशुपतिनाथ का 2 रूप का दर्शन रहता है, एक सिंगार का दर्शन, एक बिना सिंगार उतारा हुआ दर्शन। जैसे ऐसा मान्यता है भगवान पशुपतिनाथ में आके कोई भी मनुष्य चारों गेट से दर्शन करने से चार धाम का और 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया हुआ उनको पुण्य फल मिलता है। उत्तर दिशा से बद्री केदारेश्वर, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारकाधीश और किसी भी गेट से ऊपर का निराकार भाग दिखाई देता है वो भगवान पशुपतिनाथ। इधर मूर्ति को कोई भी हाथ नहीं लगा सकते, साउथ इंडिया के 4 पुजारी है वही भगवान को सिंगर पीट का, उधर साउथ इंडिया का लाल कपड़े लगाने वाला 4 पुजारी है उन लोग ही भगवान को स्पर्श कर सकते। इसके अलावा राजा महाराजा शंकराचार्य आएंगे, जो भी बड़ा आदमी छोटा आदमी आएंगे, कोई भी भगवान को स्पर्श गर्भगृह में जाके दर्शन होता नहीं, गेट में जाके सिर्फ नमस्कार ही होता है। और ये भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन करने से कोई भी जो मनुष्य चार धाम और 12 ज्योतिर्लिंग नहीं कर पाते, एक बार भगवान पशुपतिनाथ में आके दर्शन करने से उनका चार धाम और 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया हुआ पुण्य फल मिलता है। और दूसरा बात, मंदिर परिसर में बहुत सारे भागे, सिर्फ अकेले पशुपतिनाथ जी नहीं, ईशान कोण में शिव जी के गले में रहने वाला वासुकी नागराज सर्प मंदिर, वासुकी नाग देवता का मंदिर, पूर्व साइड में लाल गणपति गणेश जी का मंदिर, विष्णु सुतेला विष्णु भगवान, बगती हुई बागमती नदी जिसमें घाट पितरों का घाट के इस आगे साइड में पितरों का पिण्यदान वगैरह करते हैं और इस साइड में सबको देख बड़ी को जलाते हैं, घाट है बागमती नदी, अति पवित्र नदी है बागमती नदी। और दक्षिण साइड में कृतमुख भैरव और उन्मत्त भैरव और कोटिलिंगम 525 पिंडी शिवलिंग है, 525 शिवलिंग 84 बोलते हैं उसको, लख 84। और पश्चिम साइड में हनुमान जी नंदीश्वर और बीच में प्यागोड़ा शैली का भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है। ये मंदिर लगभग 1400 साल पुराना
सिर्फ मंदिर 1400 साल पुराना है, शिवलिंग तो बहुत पहले का है, मंदिर 1400 साल पुराना है और सारे मंदिर में चार बड़े बड़े दरवाजा है, वो दरवाजा सभी सिल्वर लगा है, चांदी लगा है, ऊपर का जो गजूर वगैरह है वो सभी गोल्ड का है और सारे भगवान पशुनाथ पशुपतिनाथ इनको नाम क्यों बोलते हैं कि पशु पास और मुक्ति, जितने भी हम ब्रह्मा के श्रेष्ठ वाले एक दिन मर जाने वाले हैं, ब्रह्मा के श्रेष्ठ वाले हमारा जो सजीव लोग मर जाने वाले हैं, हम मनुष्योनि में आने में 84 लाख योनि जन्म लेके मनुष्योनि में जन्म लेते, फिर मनुष्योनि से मनुष्योनि में आने के बाद में हमको मुक्ति का मार्ग मिलना चाहिए लेकिन होता नहीं, क्योंकि हम बंधन में रहते। कैसा बंधन? काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ऐसा बंधन में रहते तो फिर पुनर्जन्म लेते, फिर मर जाते, फिर पुनर्जन्म लेते, फिर मर जाते। एक बार भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन से, इनका भजन से, इनका कीर्तन से, इनका स्मरण से पशु पास और मुक्ति पशु योनि में जन्म लेना पड़ता नहीं, मुक्ति का मार्ग मिल जाती है, फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता नहीं, ऐसा कथन है, ऐसा विश्वास है। और काशी का और पशुपतिनाथ का भूमि ऐसा है, पशुपतिनाथ का 264 हेक्टेयर भूमि है, इसका दूसरा नाम देवपतन नगरी, इसका लोकल नाम देवपतन नगरी, देवतानों ने तप करके सिद्ध करके सिद्ध किया भूमि है देवपतन नगरी। यहाँ भी यहाँ पर कोई भी मनुष्य देवपतन नगरी में अपने नंगे पाँव रखता है तो भी काशी का और पशुपतिनाथ का भूमि में कोई भी जीवात्मा अपने नंगे पाँव रखता है तो भी उनका मुक्ति का मार्ग मिल जाती है। आप तो आया, पशुपतिनाथ का दर्शन किया, ब्राह्मण लोग से रुद्राभिषेक का, रुद्री का पाठ पारायण किया, ये तो बहुत बड़ा बात है, सौभाग्य बात है। कोई भी मनुष्य पशुपत क्षेत्र में आके सिर्फ दर्शन करता है तो भी उनका मुक्ति का मार्ग मिल जाती है, ऐसा कथन है। बोले भगवान पशुपतिनाथ की माता पार्वती की। दोस्तों यहाँ पर हो चुका ऑलमोस्ट सारा कुछ कंप्लीट हो गया है, अब हम यहाँ के आपको दृश्य दिखाते हैं। अंदर कैमरा ले आना अलाउड नहीं रहता इसलिए हम अंदर का नहीं दिखा पाएंगे, बट अंदर की वाइब भी कुछ अलग है। तो दोस्तों अभी मैं आपको करवाता हूँ यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर, और अब हमारा काम है यहाँ पर आपको यहाँ की मार्केट, यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है वो दिखाना, ठीक है? वो भी हम किसी से पूछेंगे, कोई हमें बताएगा यहाँ का कैसे चलता कल्चर, तो वही हम आपको बताऊँगा। फिलहाल मैं आ रखा हूँ एक मार्केट में, और ये मार्केट का नाम हमें नहीं पता, बट यहाँ से कुछ क्या लिया भाई तुमने यहाँ, और जो छुपा रहा है वो सिस्टम। तो अभी मार्केट से गुजरते हुए हमारा जो मार्केट है भाई, हमारे लिए तो यहाँ एक ही गाना हो रहा है, हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं। भाई इसको देखो, इनको देखो, ये पीछे ही देख रहा है भाई, अब आगे देख ले। तो भाई काफी सीधा जाना है ना हमने, इनने हमें मेन रोड पे निकलवा दिया। तो अभी अब हम बाहर कहीं आए हैं, इसका कोई सेंटर है, मार्केट का सेंटर, और यहाँ पर देखो ये काठमांडू के जो यहाँ पर मेन मार्केट है उसका सेंटर है, और यहाँ पर इस तरीके कुछ आर्किटेक्चर बना हुआ है, और ये देखो भाई तुम्हारे भाई ने गाड़ी ऐसी जगह डाल रखी है जहाँ अलाउड ही नहीं है। दोस्तों अभी हम यहाँ से शहर मैंने आपको पूरा दिखाया, और यहाँ का नाइट लाइफ भी दिखाया, बाकी नाइट लाइफ में और ये क्या होता है वो हम नहीं बता सकते ना दिखा सकते, लेकिन यहाँ का जो मौसम है वो थोड़ा मतलब अभी जैसे बदलने जैसे लग गया अभी अगर आपको देखो, बल्कि यहाँ पर जो तारों का जाल है ये जो तारों का जाल दिख रहे हैं ये भी अभी ये डेवलप नहीं हुआ उतनी तरीके से, वैसे तो यहाँ पर जाल वाला आपको दिख रहा होगा बट ठीक है। दोस्तों अभी मैं एक और लोकेशन पर आ गया हूँ, हम ट्रैवल कर रहे थे, और मैं आपको यहाँ पर एक लोकेशन दिखाता हूँ बढ़िया, यहाँ पर देखो मैं शायद जाते हुए भी आपको दिखाया था,
ये देखो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट चल रहा है एक घने पहाड़ पे, और एडवर्टीजमेंट के साथ साथ आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे वहाँ पे देखो क्या चल रहे हैं, पूरा रोप वे मतलब ऊपर से नीचे सब इसमें ट्रॉलियाँ चल रही है, वो टॉप वाले पहाड़ से वहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा एक तरह से रोप वे चल रहा है। और लोकेशन काफ़ी ज़बरदस्त है, यहाँ का गेट भी देख लो यार, है ना गेट काफ़ी ज़बरदस्त, गेट ही मेरे को पसंद आया। यहाँ से और आगे से दिखाता हूँ, तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, अपना रिजॉर्ट है यहाँ पे नेपाल के अंदर ही, लोकेशन का नाम याद नहीं है, पूरा ट्रैवल किए दिन भर, और आपको भी बारिश देखो यहाँ पर, देखो कैसी बारिश आ रही है, और बारिश के साथ हमारा जो रिजॉर्ट का रूम लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है, टॉप क्लास, वहाँ से भी देखो भारत सुबह होती है, मैं आपको और दिखाऊंगा यहाँ का लोकेशन, तो बहुत बढ़िया जगह है, बट बारिश की वजह से अभी आपको थोड़ा सा वॉइस इशू हो रहा होगा, बट यहाँ पर सही है मतलब लोकेशन, और झूला वूला भी लगाए रखे इनने, लेकिन अभी हम करें क्या है आपकी। तो दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ अपने रूम पर, और एक बार आपको अपना दिखा देता हूँ, इनको देखना इनको देखना, भाई क्या कर रहा है भाई क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये खुश हो गया इस प्राइस में इतना तगड़ा रिसोर्ट मिल सकता है, बता कहीं कहीं नहीं यार भाई, कहीं भी नहीं, ये तो काठमांडू में नहीं था। मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ फिलहाल, ठीक है, तो अभी ये देखो बाहर, ये यहाँ से मैं बाहर निकला और ये पूरा का पूरा ओए साहब, ये और बारिश आ रही खतरनाक वाली है, उस वक्त मैंने आपको वहाँ से दिखाया था यहाँ से, और अभी अभी अपन क्या करेंगे, अभी मैं डिनर वगैरह करता हूँ, ठीक है, डिनर करने के बाद फिर डिनर ही कर लेंगे, फिर उसके बाद सुबह जब मैं उठूँगा तो सुबह आपको पूरा लोकेशन दिखाऊंगा, सुबह सुबह करवाता हूँ आपको लोकेशन, और मतलब पूरा एरिया एक्सप्लोर, जो ज़बरदस्त रिजॉर्ट है और रिजॉर्ट में कितना बड़ा एरिया है सब एक्सप्लोर कराऊंगा, लेकिन अभी कर लेते हैं हम लोग, ये भी आ गया डिनर।